आपके बगल में स्कूल चल रहा, क्या मामला पूरा क्या है इसका? मामला सर अभी तो उस दिन पुलिस आई है, 15 दिन पहले पुलिस आई थी। पुलिस आई थी ये झारखंड से आई सर जी। आज इधर की पंजाब की थी या उधर की थी? जब मैं आया तो देखा आप पुलिस काफी तीन गाड़ी खड़ी है किधर, एक उधर एक पीछे खड़ी मेरे यहाँ पर। उसके बाद फिर इनके ये नहीं मालूम कि अंदर क्या बात हो रही क्या नहीं हुई। जब से मैं तो मामला शांत हो चुका था तो बस वो बच्चों करके हुआ कि मेरे को पता लगा कि बच्चे लापता हैं। अच्छा। के 30 भाग चुके थे, चार पता नहीं आठ भी वो मिले हैं लापता हैं। वो कह रहे उधर अपने दराहे ना उस साइड वहां पर रखे हुए हैं बच्चे। पुलिस ने बस इतना यहाँ पर मैंने सुना पूछा, पर ये बच्चों से काम करता था, तंग करता था बच्चों को, बस बच्चों को मारता पीटता था और यहाँ से दौड़ाता नंगे दौड़ाता था उनको यहाँ पर बच्चों को। फिर मैंने रोका भी कई बार, ऐसे मत किया अगर, कह रहा फिर उसको अंदर लेता गलती होगी, बच्चे बड़े सभी फैमिली वाले हैं पर उनको नंगे उड़ाता था और उनसे दिहाड़ी करता था। कभी वहां पर मिट्टी उठाकर यहाँ पर लाओ, कभी ईंटे उठाओ, कभी कुछ उठाओ, कभी लेबर काम कराओ, ऐसे काम करता था उनसे। पढ़ाई कम करता, उनको अंदर पीटता था और नंगे पैर यहाँ पर खड़े करता था उनको। कपड़े भी नहीं, लते नहीं, कुछ नहीं, सर्दी में ऐसे ही बैठे थे बस कप लगाकर, वो चादरें ही बस ऐसे ही। अच्छा, ये पता लगा यहाँ पे धर्म परिवर्तन भी करवाते थे, हिंदू बच्चों की ईसाई भी बनाते थे? सर इतना तो मेरे को मालूम नहीं है कि धर्म परिवर्तन करवाते थे, पर ये आगे उनको मालूम है ये अंदर है, ये किसी को ना अंदर जाने नहीं देते किसी को भी। आपने दरवाजा बंद किया, अंदर जो पीटना है कूटना है बच्चे को ही बंद करते थे सब कुछ। ये मारपीट करते थे अंदर, मारपीट भी करते थे। मैंने भी दो बार रोका, जब एक बार दरवाजा खुला होता है ना बड़े वाला, तो मैं रोका भी इसको, बच्चे पीट छोड़े, बच्चे पीट रहा, मार ठंड बिठाया। मैं नीचे दर्जी बिछा दे, कुछ भी नहीं बिछाया उन्होंने, उसको मार रहा, कह रहा बच्चे पढ़ नहीं रहे हैं, तो मैं नीचे कुछ बिछा दो, तो मैट मूट ठंड में बिठाया नीचे छोड़े बच्चों को भी। वो डरते बहुत थे बच्चे, बच्चे थे या बच्चियां भी थी? लड़की भी थी, लड़के थी, इतनी बड़ी थी, इतनी बहुत बड़ी थी, बराबर की थी, काफी स्कूल भी आते थे। फिर कुछ 2 महीने से ना लड़के गैप है, मैंने देखा नहीं कि लड़के है नहीं यहाँ पर लड़कियाँ। नहीं लड़के ऐसा तो कुछ मैंने सुना नहीं, ना कभी हुआ है, मतलब बच्चे सब इकट्ठे रहते थे, मतलब लड़के भी 4-2 महीने से पता नहीं लगा कहाँ है। तो ये बेसिकली क्रिश्चियन है, ये क्या बेसिकली क्रिश्चियन नहीं, शायद बने हुए हैं जी, ये बने हुए हैं मेरे हिसाब से, मतलब बस इन्हें अपने चलाने के लिए, काम धंधे चलाने के लिए ये खुला हुआ है शायद, बस इतना ही। क्रिश्चियनिटी का प्रोपेगेंडा है तो वो सभी कुछ देखिए। तो आपको जी सर, काली सर ऐसा है कि काफी समय से झारखंड के बच्चों का मुद्दा काफी गरमाया हुआ और उसमें ये बात सामने आ रही है कि वो धर्मांतर के यहाँ लाया गया था। आपकी इन्वेस्टिगेशन में ऐसा क्या निकला कि उसको बंद कराना पड़ा और उस पर कार्रवाई करनी पड़ी? ऐसा जब हमारी लोकल चाइल्ड वेलफेयर कमेटी की टीम और DCPO वहां पे चेकिंग करने गए तो वहां पे देखा गया कि ये होम रजिस्टर्ड नहीं था, इनको JJ एक्ट के सेक्शन 41 के तहत रजिस्टर्ड कराना होता है कोई भी शेल्टर होम जो है।
तो वो रजिस्टर्ड नहीं था, उनको लिमिटेड टाइम दिया गया कि भी इसमें रजिस्टर्ड करा, उसने इनकार कर दिया मैं ये नॉर्म्स कंप्लीट नहीं कर सकता। उसके बाद जब इन्होंने उसकी कार्रवाई की तो उसने अपने लेवल पे 30 बच्चे जो थे झारखंड के उनको अपने लेवल पे पेरेंट्स को हैंडओवर कर दिया, और जो 8 बच्चे बचे थे वो 4 बिहार के थे और 4 उसमें झारखंड के थे। चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के थ्रू उनके पेरेंट्स को और वहां से टीम को बुलाया गया और उनके बच्चों को उनको हैंडओवर जो झारखंड के थे चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के थ्रू जो पुलिस ऑफिसर्स आए थे उनको हैंडओवर किया गया। सर अभी जो बच्चे हैं वो अभी कहां पर हैं, क्या यहां पर हैं या वापस भेज दिए गए, क्या कंडीशन अभी पोजीशन गया है? जो 30 बच्चे थे वो तो उन्होंने अपने लेवल पे ही, वो जो मिस्टर सतेंद्र कुमार मिसू जो थे जो वहां पे चला रहे थे उन्होंने अपने लेवल पे पेरेंट्स को दे दिए या कहीं भी हमारे ऑन रिकॉर्ड नहीं है वो। तो वो जो 4 बच्चे झारखंड के थे हमने वो प्रॉपर प्रोसीजर अडॉप्ट करके वहां के चाइल्ड वेलफेयर कमेटी को जो ऑफिसर झारखंड के आए थे उनको हैंडओवर कर दिया। 4 बच्चे अभी भी हमारे पास दोराहा में हैं, उनको वहां पे इन्फॉर्म कर दिया वो बिहार के हैं, और वहां से जो टीम आएगी उनको प्रॉपर चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के थ्रू बाय प्रॉपर चैनल उन बच्चों को वहां पे हैंडओवर कर दिया। बार बार जो बात उठ रही है कि धर्मांतरण के लिए बुलाया गया था, धर्मांतरण लाया जा रहा था, क्या ऐसा कुछ भी आपको देखने मिला या खाली एक अफवाह सी उड़ रही है या वाकई कुछ ऐसा? नहीं, ऐसा है कि उन लोगों को क्रिश्चियनिज्म में वो उन्हीं पढ़ाई जा रही थी, वहां से बिहार से या झारखंड से उन बच्चों को लाया जा रहा था और उनको यही एजुकेशन यहाँ पे प्रोवाइड कराई जा रही थी। आपके कहने का मतलब है कि कम से वो हिंदू से वो कन्वर्ट हो रहे थे उसमें बच्चे? हाँ, उनको जो एजुकेशन दी जा रही थी वो क्रिश्चियनिज्म की थी, और जो वो जो झारखंड पुलिस ने उनपे केस रजिस्टर्ड किया है वो भी इसी का ही किया है, कन्वर्शन लाकर केस रजिस्टर्ड किया है। लोग हैं जो देख रेख कर रहे थे वो, उनका ये कहना है कि वो ऑलरेडी बच्चे पहले से क्रिश्चियन थे, उनको बनाया नहीं गया, वो पहले से उनके बाबा क्रिश्चियन थे, वो भी क्रिश्चियन थे, इसलिए वो तो ऑन रिकॉर्ड जो बच्चों के उनमें 20 बच्चों के जो पेरेंट्स का आधार कार्ड या लगभग 20 के उसके पास जो रिकॉर्ड हमारा डिपार्टमेंट लेके आया है उस रिकॉर्ड से सारा कुछ आगे आ जाएगा। और मैंने भी यहाँ पे डिप्टी कमिश्नर को उनकी थोरो इंक्वायरी करके बनती कार्रवाई करने के लिए मैंने उनको लेटर भेज दी है, तो अगर वो यहाँ पे जैसे वो रजिस्टर्ड नहीं है तो जुवेनाइल जस्टिस एक्ट का हमारा सेक्शन 42 है उसके कहे तो उनपे यहाँ से भी पंजाब से भी केस रजिस्टर्ड होगा। मतलब कुल मिलाकर अभी तक ये बात सामने नहीं आ सकी कहीं पे धर्मांतरण का ये कहीं पे भी मेल खा रहा है चीज कहीं पे ये चीज आ रही है? नहीं, जो एजुकेशन हो रही थी वहाँ पे वही हो रही थी, और वहाँ पे ऑन रिकॉर्ड है हमारे पास, उसकी इन्वेस्टिगेशन चल रही है, जब तक हमारे पास वो प्रॉपर ऑफिशियल रिपोर्ट नहीं आएगी तो तब तक वो नहीं, क्योंकि वो जो वहाँ के आधार कार्ड हैं पेरेंट्स के या बच्चों के जितने भी अवेलेबल उसके पास थे मिस्टर जो सतेंद्र कुमार है, तो वो हमने हमारे पास उसका रजिस्टर आ रहा है, उसमें सारे फैक्ट्स आई जाने हैं कि वो कौन से धर्म से थे, क्या से। आपकी जांच में कुछ ऐसा निकल गया बच्चों के साथ मारपीट की जा रही थी या वहाँ पे लड़कियां भी थी 15-16 साल? हमारे डीसीपीओ जो यहाँ पे हैं उनको कंप्लेंट आई हुई थी एक अनऑफिशियल कि भाई वहां पे बच्चों के चलाने के सामने कोई 150 स्क्वायर यार्ड्स का उन्होंने कोई स्कूल टाइप ऐसा बनाया हुआ था, तो वहां पे अड़ोस पड़ोस एक दो जगह से कंप्लेंट आई थी। उसी कंप्लेंट के आधार पे जब ये हुआ था तो वो चेकिंग भी की गई है, तो वहां से पड़ोस वाले जो एक दो थे कि यहां से हमारे एक दो बच्चों की ऐसे आवाजें आती थी, मारपीट किया जा रहा था, वो कंप्लेंट अनऑफिशियल आई था। वहां पे लड़कियां भी 15-16 साल की रहती थी, तो क्या जैसे बिहार में और यूपी में ये चीजें निकल के आई थी कि लड़कियों के साथ गलत काम हो रहा था, क्या कुछ नहीं, ऐसे नहीं, ऐसा हमारे अभी कोई ध्यान में नहीं। तो कुल मिलाकर वहां पर असुविधा थी बच्चों को, वो एज पर एक्ट जैसे रजिस्टर्ड होना चाहिए था वो नहीं था, ऑन रिकॉर्ड नहीं था कुछ भी, अपने लेवल पे बुला के उनको अगर एजुकेशन भी देनी है कहीं पे या कोई स्कूल है तो वो भी किसी के साथ एफिलेशन चाहिए, कुछ सिस्टम चाहिए, वो ऐसा वहाँ पे कुछ भी नहीं था। ठीक सर, एक लुधियाना के खुल्ला वाले एरिया में चिल्ड्रन हाउस की बातें निकल के आई कि वहाँ से टीम आई थी झारखंड से, यहाँ पे कुछ बच्चों को लेकर गया, क्या पूरा मामला क्या था? अभी झारखंड से एक टीम आई हुई थी जिन्होंने एक मुकदमा दर्ज किया है यहाँ पर लुधियाना के अंदर एक शेल्टर होम में जो जुवेनाइल एक्ट के तहत रजिस्टर्ड नहीं था, ये बात हमारे नॉलेज में आई जब झारखंड की टीम वहाँ से आई है उसके बाद में, और उससे पहले भी हमारी टीम लगातार जो है चाइल्ड वेलफेयर कमेटी और जो चाइल्ड प्रोटेक्शन ऑफिसर हैं उनके साथ संपर्क में थे, जिन्होंने बताया जिनके साथ में पुलिस असिस्टेंस उनको लगातार दिया जा रहा है, और अभी रिसेंट जो हुआ है वो झारखंड की टीम ने वहाँ पे मुकदमा दर्ज किया हुआ झारखंड के अंदर वेस्ट सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट में, और उसी के बेसिस पे उन्होंने जो अक्यूज़ है उसको अरेस्ट करके लेके गए, साथ में ही जो बच्चे थे यहाँ से 4 उनको भी लेके गए। अच्छा,
सर बताया जा रहा है कि तकरीबन वहाँ पे 34 बच्चे थे, 30 गायब और 4 लेकर के गए। इसकी जो डिटेल इन्वेस्टिगेशन है वो चाइल्ड वेलफेयर कमेटी प्लस चाइल्ड प्रोटेक्शन ऑफिसर जो है वो कर रहे हैं, साथ में हमारी टीम भी लगी हुई है जिसमें एसएसओ सदर जो है उनके साथ में लाइजन ऑफिसर है। तो इसकी डिटेल इन्वेस्टिगेशन करके जो भी फैक्ट सामने आएंगे उसके हिसाब से हम कार्रवाई करेंगे। सर मीडिया में बहुत दिखा, बिहार में और यूपी में काफी ये चीजें निकल के आई थी, उसमें सर लड़कियां भी रहती थी जिनकी उम्र 15-16 साल बताई जा रही, कुछ ऐसा मामला तो नहीं आया था उनके साथ कोई गलत काम वगैरह कुछ? अभी तक हमारे सामने ऐसा कोई भी मामला नहीं आया है जिससे कोई क्रिमिनल एक्शन जो है पुलिस को सुओ मोटो लेना बनता हो, लेकिन जैसे ही हमारे पास में कोई ऐसा मामला सामने आता है तो हम एक्शन लेंगे या हमारे पास कोई फॉर्मल कंप्लेंट लॉज होती है उसके हिसाब से हम कार्रवाई करेंगे।